बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बजट में बिहार के लोगों की भावना का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद कहा है। आज जितना लोग बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं, कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और हिंदुओं को भी हमने कहा, एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष अधिकार के लिए बदल दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है आप जानते ही, कैसे अपना हाल खत्म करेंगे। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवम्बर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर, आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार को लेकर उनकी ये मांग रही है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, और अगर इसमें नियमों के कारण कोई बाधा है तो बिहार को विशेष पैकेज और विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का, कि जो बिहार के कंसर्न थे उसको इस बजट में एड्रेस किया गया। सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री रहा हूँ बिहार में, हम लोग लगातार उठाते हैं कि पूरा उत्तर बिहार, खास करके मिथिला और कोसी एरिया जो है या सारण का भी एरिया, पूरा उत्तर बिहार का एरिया हर एक साल फ्लड में, बाढ़ में उसका डैमेज होता है। उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं था। नेपाल में हाई डैम बनेगा, हम लोग के जन्म से पहले से चल रहे हैं। आज डिटेल में वित्त मंत्री जी ने उसके बारे में, उन्होंने बजट में बिहार की मांग और बिहार के लोगों की भावना का ध्यान रखने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार बाढ़ से पीड़ित रहा है, राज्य सरकार के हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं, और पहली बार बजट में कहा गया है कि नेपाल में जो हाई डैम बनना है उसमें प्रोग्रेस नहीं है, इस समस्या को दूर करने के लिए फंड दिया गया है, भविष्य में जरूरत पड़ने पर और फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बजट में बिहार को लेकर की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की मांगों का ध्यान रखा गया है, और ये सिर्फ शुरुआत है, अगले 5 साल में एनडीए सरकार बिहार का कायाकल्प कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू हमेशा कहती है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। बिहार की हालत के लिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार की सबसे बड़ी दुश्मन रही है, बिहारियों के खिलाफ रही है और बिहार विरोधी रही है। 10 साल तक उनकी यूपीए की सरकार रही, लेकिन उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया।